Examine whether the following statements are true or false. A comma B subset of B C A. Yes, true है भाई subset. ये subset है. ये false हो गया. गलत हो गया. Subset है A B C A B. इसमें भी है. इसमें भी है. A subset of X is vowel. In the English A I O U होता है. ये subset है. ये सही है. True है. True. 1, 2, 3, 1, 3, 5. Not. सबसेट नहीं है भाई. अगर यहाँ पर थ्री भी होता तो सबसेट होता क्योंकि थ्री यहाँ पे टू इसमें एलिमेंट है. टू इज नॉट एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेट. इसमें जो सुपर सेट है उसमें टू नहीं है. इसमें सेट टू नहीं है. दैट्स व्हाई सबसेट नहीं. ए ए इज अ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी. ए भी है या प्रोडक्ट का तो नहीं होगा भाई. अगर ये प्रोडक्ट का साइन है तो नहीं होगा. ये कॉमा है तो ये सबसेट होगा. ओके okay? एलिमेंट ऐसे कहते हैं. एलिमेंट क्या कहते हैं? ए होगा तो इसका सबसेट. फॉल्स है. एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स तो क्या आ गए? टू फोर आ गए. एक्स इज नेचुरल नंबर विद विच डिवाइड टू फोर. सही है. सबसेट है. टू फोर सिक्स होता है. सबसेट है टू. तो सबसेट का कंसेप्ट था यहाँ पे. एलिमेंट का कंसेप्ट था और सबसेट का था. एलिमेंट रिप्रेजेंट सिंपल होते हैं और ये सेट है. सेट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट. एंड सबसेट का मीनिंग मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. सबसेट में क्या क्या मालूम होना चाहिए कि ए सबसेट ऑफ सेट बी है. पहली बात, हर सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है. दूसरी बात, फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है. तीसरी बात, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एन है तो टू द पावर एन होते हैं. फोर्थ बात, अगर x एलिमेंट ऑफ a है तो इसका मतलब क्या होगा? x नेसेसरी एलिमेंट ऑफ b होगा. ये डेफिनेशन. ओके, तो सबसेट एंड सुपरसेट के कंसेप्ट में ये सभी बातें, ये कंसेप्ट्स हैं, ये टर्म टिप्स पे होने चाहिए. ओके okay?